पंजाब के बाद चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है और रात 12 बजे से ये कर्फ्यू लागू हो चुका है। चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, प्रशासक की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। आपको ये भी जानकारी हम दे दें, प्रशासक सलाहकार मनोज परीदा ने ये जानकारी दी है। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है और तय समय पर ही घर से बाहर लोग जो है निकल सकते हैं। और चंडीगढ़ वासियों के लिए ये खबर है, कर्फ्यू का उल्लंघन अगर वो करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, लोगों को घरों से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं है कर्फ्यू के दौरान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पंजाब पहला राज्य बना जिसने कर्फ्यू लगा दिया और कल दोपहर में ही जो है पंजाब सरकार ने ऐलान कर दिया था कर्फ्यू को लेकर कि कर्फ्यू पंजाब में लगाया जा चुका है और कर्फ्यू पूरी तरह से लागू होगा पंजाब में। अब पंजाब के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने भी ये फैसला लिया है, प्रशासक सलाहकार की ओर से ये जानकारी दी गई है। लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही है, लोगों को घरों से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, तय वक्त पर ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं और जरूरी चीजों के लिए ही आप जो है बाहर निकल सकते हैं। खास बात यह भी कि कर्फ्यू का जो उल्लंघन करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये जो चंडीगढ़ की आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से सुनसान पूरी सड़कें नजर आ रही है, सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके अगर कोई सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। और उसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आपका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद है, चंडीगढ़ में भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।